पिछली बार हमने बुद्धि योग पे चर्चा करी थी और दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक तक हमने जो है डिस्कस कर लिया था। तो 53वां श्लोक मैं जो है दोबारा से दोहराता हूँ। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो इसके पिछले श्लोकों में चर्चा हुई है कि भगवान ने कहा, मैं तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ। यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से मुक्त होके मेरे धाम आ जाओगे। साथ ही भगवान ने कहा कि इस मार्ग पे चलना है, अर्थात मेरे बताए हुए मार्ग पे चलना है और प्रयोजन तुम्हारा दृढ़ होना चाहिए। प्रयोजन है कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति, अर्थात भगवान के धाम जाना, अर्थात मुक्ति प्राप्त करना। परंतु साथ ही ये कहा, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, जिनकी जो है ऐसी जो डिजायर है, ऐसी जो इच्छा है, वो दृढ़ नहीं है, तो उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है, शाखाओं में बटी रहती है। कैसे बटी रहती है, ये इन्होंने वेदों के माध्यम से सुनाया कि वेदों के अंदर जो है कर्मकांड के भी मंत्र हैं और ज्ञान के भी मंत्र हैं और उपासना के भी मंत्र हैं। तो व्यक्ति जो है कर्मकांड के मंत्रों में भौतिक सुख भोग प्राप्त करने के चक्कर में फंस जाता है और फंसने के बाद वो जो है उससे बाहर नहीं निकल पाता। फिर भगवान ने बताया कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि तुम्हें कर्म फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, उसके लिए कार्य मत करना। हेतु, हेतु मीन्स कर्म का फल अगर प्राप्त करना चाहोगे तो भोगने के लिए शरीर चाहिए, तो मुक्ति नहीं हो पाएगी। और उसके बाद बोला कि तुम्हें शरीर मिला है, बुद्धि मिली है, उसका फायदा उठाओ। फायदा क्या है कि गर्हित कर्मों से दूर रहो, मतलब ऐसा कोई कर्म ना करो जो तुम्हें इस भौतिक संसार में बांधे। और साथ ही ये बता दिया भगवान ने कि भक्ति में संलग्न मनुष्य अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। मतलब भक्ति ही एक ऐसा रास्ता है जिससे आप पुण्य फल भी और प्राप्त फल भी दोनों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। और साथ ही कहा, योग के लिए यत्न करो, अर्थात अपने आप को मेरे साथ जोड़ने के लिए यत्न करो, सारा कार्य कौशल यही है। फिर बता दिया भगवान ने कि भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि तथा मुनिगण अपने आप को भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। मतलब मुख्य लक्ष्य जो हुआ वो है कर्म के फल से मुक्त होना। फायदा क्या होगा, जन्म तथा मृत्यु के चक्र से छूट जाना। और छूटने के बाद क्या है, भगवान के पास जाके वहां रहना जहां पे कि दुख नहीं है, जहाँ कष्ट नहीं है, कुछ नहीं है। जब भगवान ने कहा कि तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो, मतलब वेदों में जो भौतिक भोग भोगने के सुख साधन दिए हुए हैं उनके प्रति आपका आकर्षण नहीं होना चाहिए और उनसे विचलित नहीं होना चाहिए अपने लक्ष्य से। लक्ष्य क्या है, भगवान के धाम जाना। तो यहाँ कहा है, अब जब वो तुम विचलित नहीं होगे, विचलित नहीं हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, समझे नहीं। स्थायस्थी निश्चला, मतलब आप जो है अपनी बुद्धि को निश्चल कर लेंगे, मतलब चलायमान नहीं होगी। और उसके बाद लिखा है कि समाध वचला, मतलब आप जो है कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो जाओगे, अर्थात भगवान की भक्ति में स्थिर हो जाओगे। अब वो अर्जुन जो है उसके मन में ये प्रश्न उठ गया। वो कहता है, भगवान आपने बात तो बता दी कि विचलित नहीं होना, मुझे भौतिक सुख भोगों में उसकी प्राप्ति में या न प्राप्ति में विचलित नहीं होना। प्राप्त हो गए तो भी मैं और प्राप्त करना चाहता हूं तो विचलित हूं, नहीं प्राप्त हुआ तो मुझे दुख है, मैं फिर विचलित हूं। तो मैं विचलित नहीं होना चाहता, तो आप मुझे बताओ कि जो व्यक्ति विचलित नहीं होता उसके लक्षण क्या है। अर्थात यहाँ पर जो है चर्चा होगी 54 से लेके 72वें श्लोक तक, कि जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर है, स्थिर मीन्स बुद्धि विचलित नहीं होती, बुद्धि डिस्ट्रैक्ट नहीं होती,
बुद्धि अपनी जगह पे स्थिर है उसके लक्षण क्या है, इस बात का सवाल उठ रहा है, ये बात का प्रश्न उठ रहा है। तो यहाँ पे जो है अर्जुन ने प्रश्न किया, अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवा, स्थिति किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है, ये प्रश्न क्या है। अब देखिए, जब सिंपल भाषा में बात करें तो बोलना कैसे भी, जैसे सब बोलने ऐसे वो भी बोलता है। भाषा क्या है, जैसी लैंग्वेज आमतौर पर व्यक्ति इस्तेमाल करता है ऐसी भाषा वो भी इस्तेमाल करता है। किस तरह बैठता है, जैसे सब बैठते हैं ऐसे वो बैठता है। किस तरह चलता है, जैसे सब चलते हैं ऐसा वो चलता है। परंतु यहाँ पर जो है भगवान का ये बात कहने में ये भाव नहीं है। भगवान का भाव क्या है, भगवान का मूड क्या है, भगवान क्या बात कहना चाहते हैं, क्या बात समझाना चाहते हैं, तो यहां पर जो है चर्चा आ रही है कि भगवान जो है क्या बात समझाना चाहते हैं। तो का भाषा मतलब उसकी भाषा क्या है, मतलब जिस व्यक्ति की बुद्धि भगवान में स्थिर हो गई है, जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है उस मनुष्य के लिए क्या वाणी प्रयोग होती है, उसके बारे में किस वाणी से कहा जाता है, अर्थात उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके गुण क्या होते हैं, उसके सिम्टम क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, किसके, जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो गई है। स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षण क्या है, ये प्रश्न आ रहा है। स्थिर बुद्धि का मतलब क्या है, बुद्धि बुद्धि क्या करती है, लेट्स डिफाइन कि बुद्धि क्या कार्य करती है। एक व्यक्ति इंटेलिजेंट है, एक व्यक्ति इंटेलिजेंट नहीं है। जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो सच सोच सकता है, समझ सकता है, डिसाइड कर सकता है भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या करनी है क्या अकरनी है, झूठ क्या है और सच क्या है, इसके बारे में फैसला कर पाता है। करने वाला काम क्या है, ना करने वाला काम क्या है, इसके बारे में फैसला कर पाता है। अब देखिए, बुद्धि का कार्य है डिस्क्रिमिनेट करना। जब हम सत्य असत्य में भेद हो गया, इसका मतलब है फर्क करना है, डिस्क्रिमिनेट करना। जो भी विचार हैं, जो भी थॉट्स हैं, जो भी बातें हैं, वो सारी आपके मन के अंदर आती हैं, सारी मन के अंदर आती हैं। मन से वो बुद्धि पे ट्रांसफर होती हैं और बुद्धि फैसला करता है, बुद्धि फैसला करती है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। अब यहाँ पे चर्चा आएगी कि बुद्धि आपकी जो है वो हरी कैसे जाती है, बुद्धि भ्रष्ट कैसे होती है, मतलब बुद्धि फैसला कब नहीं कर पाती, उसमें प्रॉब्लम्स क्या आती, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कि बुद्धि राइट डिसीजन नहीं ले पाती, बुद्धि का डिसीजन गलत हो जाता है। तो यहाँ जो है सवाल ये हुआ का भाषा मतलब भगवान में स्थिर, भगवान में जिसकी बुद्धि स्थित है और स्थिर है, ऐसी बुद्धि वाले मनुष्य को किस वाणी से कहा जाता है, मतलब हाउ डू यू डिफाइन हिम, हाउ डू यू एक्सप्लेन अबाउट हिम, मीन्स उसके लक्षण क्या होते हैं, व्हाट आर हिज सिम्टम्स। अब दूसरा सवाल आया किम प्रभाषेत, किम प्रभाषेत का मतलब है वो कैसे बोलता है, मतलब जो व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, वो कैसे बोलता है, अर्थात उसके वचन, उसके मन के भाव कैसे प्रकट होते हैं, कैसे प्रकट होते हैं, मतलब वो अपने अपने मन की बातों को, अपने अपनी अपने जो उसके मन में बातें आ रही हैं, थॉट्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, उनको वो जो है कैसे प्रकट करता है, हाउ डज ही प्रेजेंट हिमसेल्फ। किमासीत कैसे बैठता है, आसीत मतलब बैठना, आसन,
कैसे बैठता है, अर्थात स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति इस संसार में कैसे रहता है, हाउ डज ही लिव इन दिस वर्ल्ड, और रजेत किम अर्थात कैसे चलता है, मतलब वो व्यक्ति जो है जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर चुका है, वो आचरण कैसा है, वो व्यवहार कैसा करता है, संसार में रहते हुए व्यवहार कैसा करता है। अब यहां पे एक बात समझने वाली है कि दो वैरायटी के लोग हैं, एक है जो साधना कर रहे हैं, साधना मीन्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे आर प्रैक्टिसिंग कि मुझे भक्ति में आगे कैसे बढ़ना है, अर्थात मुझे कृष्ण भावनामृत में कैसे जाना है, अर्थात मुझे भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त करना है, इस रास्ते पे चल रहे हैं हौले हौले। मीन्स उसके अंदर अभी भी कहीं ना कहीं कामना का कोई अंश है, कोई कामना का अंश है हल्का सा, तो ऐसा व्यक्ति कहलाता है प्रैक्टिसिंग भक्ति, प्रैक्टिसिंग ज्ञान, प्रैक्टिसिंग योगा, प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये हुआ साधक, अर्थात साधना कर रहा है, साधना कर रहा है, ये साधक है। दूसरा व्यक्ति है जिसमें कि कामना नहीं है कोई भी, मतलब उसकी साधना पूरी हो चुकी है, तो साधना में परफेक्ट हो चुका है। अब ऐसा व्यक्ति जो है सिद्ध कहलाता है, अर्थात उसने सिद्धि प्राप्त कर ली है। अब हमने जो है इसी श्लोक संख्या 56 में आ जाते हैं। चलिए पहले जो है श्लोक संख्या हमने 54 और 55 कर लिया। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोरथ से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष करता है, आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह व्यक्ति विशुद्ध चेतना को प्राप्त होता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो है विशुद्ध चेतना, अर्थात नाउ ही कम्स टू प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस। अब इसमें छोटी सी बात आती है कि डिजायर, आगे 62वें श्लोक में आएगा कि डिजायर उत्पन्न कैसे होती है, डिजायर होने से कर्म कैसे होता है, वो वहां चर्चा आएगी। पर यहां हम चर्चा कर रहे हैं कि कामना के भेद क्या हैं। डिजायर है जी, कामना है जी, मेरी डिजायर है, पर उसके लेवल्स क्या हैं, उसके एक लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, उसके उसके जो है लेवल्स क्या हैं। तो लेवल्स में है, सबसे पहला लेवल है वासना। वासना मतलब ना राग है ना द्वेष है, ये वासना खत्म हो जाएगी, परंतु वासना है, इसका मतलब है कि राग और द्वेष के द्वारा सूक्ष्म कामना है, सूक्ष्म माइन्यूट सटल डिजायर है, सटल डिजायर। अब डिजायर किस चीज की होगी, आमतौर पे कि व्यक्ति को क्या डिजायर होती है, उसका ब्रॉडर एस्पेक्ट लेते हैं, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बात अलग है। डिजायर क्या है कि जो फेवरेबल सर्कमस्टांसेस है संसार को भोगने के, जो इस संसार को भोगने के लिए फेवरेबल सर्कमस्टांसेस हैं, वो तो मेरे पास बने रहे, मुझे मिलते रहे, सब अवेलेबल होता रहे, कोई कोई लॉस ना हो, मिलते रहे सारे। और जो चीजें प्रतिकूल हैं, प्रतिकूल मीन्स कि जो चीजें जो है मेरे को इस संसार को भोगने के लिए स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स हैं, रुकावटें हैं, ब्लॉकेट्स हैं, वो जो है नष्ट हो जाए, वो समाप्त हो जाए, मतलब ब्लॉक्स तो नष्ट हो जाए और बाकी चीजें जो चाहिए वो आ जाए। तो ये जो है सूक्ष्म डिजायर रहती है, चाहे हम माने चाहे ना माने, अनकॉन्शियस लेवल पे डिजायर रहती है कि अनुकूल पदार्थ मेरे पास रहे और प्रतिकूल पदार्थ चले जाएं। कौन से पदार्थ, इस भौतिक संसार को भोगने के। अब इससे एक स्टेप ऊपर गए लेवल 2 पे, लेवल 2 कहता है स्प्रेहा। स्प्रेहा मीन्स
एडवांसमेंट इन वासना, वासना एडवांस हो गई थोड़ी सी, क्या हो गई कि जब अनुकूल वस्तु है वो मेरे पास नहीं है संसार भोगने की, जब मुझे बात समझ में आ गई तो मेरे चित्त में भाव आ गया आई डीड इट, इसकी डिजायर है मेरे को, मुझे चाहिए अभी, अब मुझे चाहिए। पहले मैं सोचता था अनकॉन्शियस लेवल पे, हो जाए अच्छा है, मिल जाए अच्छा है, नो अब एक स्ट्रॉन्ग डिजायर हो गई कि अब मुझे वो वस्तु चाहिए क्योंकि मेरे पास नहीं है, आई डोंट हैव इट। अब आती है इसके बाद इच्छा, इच्छा मीन्स अब कामना जो है पूरे रूप से डेवलप हो गई, फुल्ली डेवलप हो गई कामना, फुल्ली डेवलप। जब फुल्ली डेवलप होने में कि जिस वस्तु का अभाव है, जो चीज मेरे पास नहीं है उसको प्राप्त करने की बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर है, अब वो डिजायर इतनी स्ट्रांग हो गई है कि अब मुझसे रहा नहीं जाता, चाहिए भाई कैसे भी करना है। और जो चीज मेरे को भौतिक भोग भोगने में ऑब्स्टेकल पैदा कर रही है, एंजॉयमेंट में रुकावट पैदा कर रही है, उससे मैं छुटकारा चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ इट, मुझे वो ना मिले ये मेरी कामना है, जो मेरे पास है वो चली जाए ये मेरी कामना है, तो छुटकारा पाओ जी, से ये नहीं चाहिए मेरे को, छुट्टी पाओ। अब कामना हुई, अब कामना होने के बाद सिचुएशन आती दो, एक सिचुएशन आई कि कामना पूरी हो जाएगी, एक सिचुएशन आई कामना पूरी नहीं होगी, फिर दोनों रास्ते हैं ना, या तो पूरी हो जाएगी या पूरी नहीं हो जाएगी। अगर वो पूरी नहीं हो जाती है, कामना पूरी नहीं होती है, तो क्या होगा, क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, मन चिड़चिड़ा हो जाएगा, मन नहीं लगा किसी काम में, आपको डिस्टर्बेंस आएगी। बट अगर कामना पूरी होने की संभावना है, चांस है, हो सकती है पूरी, तो आपको आशा डेवलप हो गई, नाउ इट इज आशा, वो इच्छा से ऊपर का स्टेप है, वो हो गया लेवल 4। अब आता है लेवल 5। लेवल 5 में कामना पूरी हो गई है, अब नई कामना शुरू हो गई, क्या कामना आ गई, एक और आ जाए, लोभ हो गया, अच्छा अच्छा ये कामना पूरी हो गई है, अब दूसरी कामना पूरी हो जाए, मतलब आपके कामनाओं के जाल में उलझ गए, आप कामनाओं के जाल में उलझ गए कि एक कामना के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, अब आपकी कामनाएं जो है बढ़ती चली जा रही है, अब लोभ डेवलप हो गया, अब आपके अंदर जो है लोभ डेवलप हो गया, लोभ मीन्स ग्रीड, लालच, लालच डेवलप हो गया, अब कामनाएं पूरी होती जा रही हैं, एक हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई, जब कामनाएं पूरी होती जा रही हैं, तो अब क्या होगा कि भौतिक भोग आपके पास एनफ है, एनफ मतलब काफी है, मेरा गुजारा बहुत बढ़िया चल रहा है, परंतु मुझे और अधिक मात्रा में चाहिए, और ज्यादा चाहिए, तो होगी तृष्णा, तृष्णा, तृष्णा इज द हाईएस्ट फॉर्म, 6 नंबर 6 पे आती, तृष्णा इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिजायर, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कामना। अब आती है बात कि हमने जो 4 चीजें समझने की कोशिश करनी है यहाँ पे, 4 चीजें, तो उसमें पहले हमने बात करी है कि का भाषा की बात करी कि जो व्यक्ति की इंटेलिजेंस फिक्स हो गई है, आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी पावर डेवलप हो चुकी है, उस व्यक्ति के वचन मन के किन भावों से प्रकट होते हैं। अब इसके बाद अगला आया था हमारा किम प्रभाषित, इनको हम श्लोकों से चर्चा करेंगे अभी। हाँ, किम प्रभाषित कि भक्त के लिए जो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस में स्थिर होना चाहता है, अर्थात जो स्थित स्थित प्रज हो गया है या स्थित प्रज होने का प्रयास कर रहा है, तो एजिटेटिंग सरकमस्टांसेस हैं,
मतलब वो विचलित करने वाले सरकमस्टांसेस हैं। ऐसे विचलित करने वाले सरकमस्टांसेस के अंदर कैसा उसका व्यवहार होगा, किस तरह के कार्य करेगा, कैसे शब्द इस्तेमाल करेगा, वो दूसरों से अलग कैसे है, मतलब कैसे बोलता है, वो गुस्से में आके बोलता है, तमोगुण में बोलता है, क्रोध में बोलता है, कैसे बोलता है, तो ये बात जो है उसके व्यवहार से पता लगती है। फिर आता है के मासित, मतलब कैसे बैठता है, मतलब वो अपनी इंद्रियों को इंद्र विषयों से हटाता कैसे है, ये चर्चा करेंगे हम 62वें श्लोक में जाके कि इंद्रियों को इंद्र विषयों से हटाता कैसे है, मतलब वो इंद्र विषयों को दबाने की कोशिश कैसे करता है। और लास्ट बात है इसके अंदर व्रजेत किम, अर्थात चलता कैसे है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका आचरण कैसा है, दैट अपनी इंद्रियों को वो किन कार्यों में लगाता है, कैसे इस्तेमाल करता है, कैसे इंद्री विषयों से अलग करके उसने इंद्रियों को अब किस तरीके से लगा दिया है, ये बात जानने की कोशिश करेंगे। अब आती श्लोक संख्या 56। दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत से प्रहा वीतराग भय क्रोधास्ते धीमुनि उच्चते। 56वें श्लोक में चर्चा आई है कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है कैसे बोलता है जब ये प्रतिकूल विचलित करने वाली परिस्थितियों में आ जाता है। सिचुएशंस कंड्यूसिव नहीं है, सिचुएशंस अनफेवरेबल है, परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। अब स्थित प्रज्ञ जो है अपने मन के भाव कैसे प्रकट करता है, तो 56 और 57 श्लोक में चर्चा आ रही है। दो श्लोकों में भगवान इसका आंसर देते हैं। आंसर क्या है कि ती दुखेशु, दुखेशु का अर्थ क्या है, दुखेशु का अर्थ है तीनों तापों द्वारा दुख प्राप्त होना। फील क्या करता है, ये मेरा प्रारब्ध है, ये मेरा भाग्य है, मुझे प्रारब्ध है, मुझे होना था, इसलिए उसको चिंता नहीं होती, वो डिस्टर्ब नहीं होता। अगर कोई उसके प्रति कोई बुरा कार्य कर देता है, कोई उसके प्रति हिंसा कर देता है, उसको दुख पहुंचा देता है, उसको कष्ट पहुंचा देता है, तो वो व्यक्ति जो है वो दुखी नहीं होता है। वो क्या कहता है, इस व्यक्ति ने मेरे दुख को भोगने के लिए पाप का कार्य किया है, इसने पाप का कार्य किया है, इसलिए मुझे चिंता नहीं है, ये मेरा प्रारब्ध है, ये मेरा भाग्य है, ये परिस्थिति मेरे अनुकूल है या मेरे प्रतिकूल है, मुझे इसकी चिंता नहीं करनी है। सुखेशु मतलब अगर अनुकूल परिस्थिति आ जाती है, भोगने के लिए पदार्थ मिल जाता है, तो वो सुख की जो है कामना नहीं, और सुख की कामना नहीं करता, जो मिल गया है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करता है कि मेरा प्रारब्ध था मुझे मिल गया। दुखेशु में मेरा प्रारब्ध नहीं था तो मुझे नहीं मिला, सुखेशु में मेरा प्रारब्ध था तो मुझे मिल गया, दोनों सिचुएशन में समभाव से रहता है, डिस्टर्ब नहीं रहता। अब आया वीतराग। वीत शब्द जो है तीनों जगह इस्तेमाल होगा, श्लोक में एक ही जगह इस्तेमाल हुआ है पर एक ही शब्द है, वीत राग भय क्रोधा। वीत राग, वीत भय, वीत क्रोधा का संस्कृत में एक ही शब्द बनाया, वीत राग भय क्रोधा। तो वीत राग का मतलब है, वीत का मतलब होता है नो, नहीं नहीं नहीं, राग का मतलब है अटैचमेंट, मतलब संसारी भोग की जो सिचुएशंस हैं, जो सामान अवेलेबल है संसारी भोग के लिए, जो संसारिक भोग का मटेरियल है, जो संसारिक भोग के पदार्थ हैं, उनके प्रति आसक्ति नहीं है, उनके प्रति अटैचमेंट नहीं है, आकर्षण नहीं है, मुझे नहीं चाहिए भाई, दिस आर नॉट फॉर मी, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए वो वस्तुएं हैं जो भगवान की भक्ति में सहायक होती हैं, दैट इज व्हाट आई डिजायर। वीत भय, वीत भय, भय क्या होता है, भय डर है, भय का मतलब है डर, व्यक्ति डरता किससे है, उसे डर किससे है, एक डर है अपने से शक्तिशाली से, पर यहां किस डर की चर्चा हो रही है,
यहां किस डर की चर्चा हो रही है कि हम भोग पदार्थों की चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें डर क्या है? हम संसार को भोगने के लिए, संसार को एंजॉय करने के लिए सिचुएशंस है, परिस्थितियां है, मटेरियल है, सामान है, उसकी चर्चा हो रही है। तो भय किस चीज का है? कि मुझसे छिन ना जाए, चोरी ना हो जाए, भूचाल में ध्वस्त ना हो जाए, बाढ़ में ध्वस्त ना हो जाए, या कोई मुझसे छीन के ना ले जाए। मतलब किसी भी हालात में जो भोग विलास की वस्तु है वो मेरे से छिन ना जाए। पर जो भक्त है उसको कोई डर ही नहीं, भोग विलास की वस्तु ही नहीं है उसके पास, उसके पास संसारिक एंजॉयमेंट की वस्तु ही नहीं है। तो उसलिए जो है वस्तु छिन जाने पर भय नहीं, क्योंकि उसकी वस्तु में आसक्ति नहीं है, उसकी उसमें आकर्षण नहीं है। क्योंकि उसकी आसक्ति नहीं है इसलिए वो रिलैक्स्ड है। वीत क्रोध, वीत क्रोधा का मतलब क्या है कि कमजोर व्यक्ति है और मैं बलवान हूं, कमजोर व्यक्ति ने मेरी कोई चीज ले गया, मैं बलवान हूं, उस पर क्रोध कर सकता हूं, गुस्सा कर सकता हूं, मार पिटाई कर सकता हूं, गालियां दे सकता हूं, पर मैं नहीं देता। क्यों? मेरे मन में ये फील आता है कि भाई मेरे प्रारब्ध में नहीं था, उसके प्रारब्ध में था, वो ले गया, उसको डिजायर थी, उसकी इच्छा थी, उसको भोगने की इच्छा थी, वो ले गया, क्योंकि उसकी किस्मत में है, मेरी किस्मत में नहीं था। जब ये फील आ जाएगा, जब ये बात आ जाएगी, तो वो जाएगा वीत राग भय क्रोधा सिद्धि मुनि उच्चते। मतलब ऐसा मुनि, मुनि मतलब जिसने की मन को वश में कर लिया है, जिसका मन विचलित नहीं होता, वो मुनि कहलाता है। हम कहते हैं मुनि है जी भगवे कपड़े पहने बैठा है, मुनि है जी वो समाधि लगाए बैठा है, मुनि है जी ऐसे कर में। पर शास्त्रोक्त अर्थ क्या है मुनि का? कि जिसने मुनि को, जिसने मन को वश में कर लिया है, जिसका माइंड कंट्रोल में है, वो उच्च स्थिति में कहलाता है। माइंड कंट्रोल में कब है? जो हमने यहां चर्चा करी कि दुख में मेरा प्रारब्ध है, डिस्टर्ब नहीं, सुख में मेरा प्रारब्ध है, मुझे और कामना नहीं है, और इच्छा नहीं है, वो भी डिस्टर्ब नहीं है। वीत राग, वीत भय, वी क्रोधा, तीन शब्द हमने श्लोक के अनुसार डिस्कस किए कि तीनों में भोग पदार्थों के प्रति आसक्ति नहीं है, वस्तु छिन जाने का भय नहीं है, और कमजोर व्यक्ति ने बलवान की वस्तु मेरी ले भी गया है तो मुझे उससे भी डिस्टर्बेंस नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो है मुनि कहलाता है। अब आते हैं श्लोक संख्या 57 पे, 2.57। स्थापनवा श्लोक कहता है यह सर्वर्थ अनभी स्नेह तत्त प्राप्त शुभ शुभम न अभिनंदती न द्वेष्टि तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठा। बहुत बढ़िया श्लोक है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना ही दुख की प्राप्ति से घृणा करता है, अशुभ की प्राप्ति से घृणा करता है, ऐसा व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। मतलब स्थित प्रज्ञ की भगवान ने यह परिभाषा दी कि स्थित प्रज्ञ की परिभाषा क्या है। स्थित प्रज्ञ की परिभाषा है अनभी स्नेह। अनभी स्नेह का मतलब है कि उसकी जो है सब जगह पे कोई भी स्थिति आए, कोई भी परेशानी आए, कोई भी सिचुएशन आए, वो उससे अट्रैक्टेड नहीं है, उससे आकर्षित नहीं है। शरीर, मन, बुद्धि, स्त्री, पुत्र, मकान, किसी में आसक्ति नहीं है। जो है ठीक है, ओके फाइन करके चलता है, आकर्षण नहीं है, अट्रैक्शन है मेरा मेरा, ऐसा आकर्षण नहीं है उसके अंदर। भोग पदार्थ मिल गए ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, ना हर्ष है ना शोक है, ना मतलब दुख है ना तकलीफ है, ना कष्ट है, ना कोई प्रॉब्लम है, रिलैक्स्ड है, बिल्कुल टोटली रिलैक्स्ड है। भोग पदार्थ मीन संसार को एंजॉय करने का मटेरियल, जो इस संसार में एंजॉय करने का मटेरियल है, चला गया तो भी दुख नहीं है, मिल गया तो भी खुशी नहीं है। तत् तत् प्राप्त शुभ अशुभम मतलब स्थिति परिस्थिति अनुकूल है, मतलब फेवरेबल है, यस यस एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। वाणी से शरीर से प्रसन्नता नहीं है, ठीक है ओके फाइन, मतलब वो कूदे नहीं मार रहा, छलांगे नहीं मार रहा, उत्सव नहीं मना रहा, मतलब परिस्थिति का अभिनंदन नहीं कर रहा है। और अगर प्रतिकूल परिस्थिति आ गई है, सिचुएशन जो है अनफेवरेबल है, प्रतिकूल है, दुख है, खिन्नता है, नहीं
हो गया, ठीक है, होना था, मेरी किस्मत में था, मेरे भाग्य में था, हो गया, आई एम नॉट वरीड। समझे नहीं? कैसे हो गया? ना होता तो अच्छा होता, मिट जाए तो अच्छा होता, परिस्थिति से घृणा कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो परिस्थिति है, जैसे कहते हैं, जैसे भगवान रखे वैसे रहेंगे, जैसे, ठीक है। अब आती है बात, इसमें जो शब्द इस्तेमाल आया पहली बार, स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ मीन्स कि सदा निर्लिप्त है, लिप्त नहीं है, किसी चीज में लिप्त नहीं है, घुसा नहीं हुआ उसके अंदर, एक समान है, निर्विकार है, अनडिस्टर्ब्ड है। मीन्स ना अभिनंदन है ना घृणा है। सुख हो या दुख हो, जो पिछले श्लोक से चला आ रहा है, ये सुख हो या दुख हो, दोनों परिस्थितियों में मन समान रूप से रिएक्ट करता है। तस्य प्रज्ञा, उसकी बुद्धि। तस्य प्रज्ञा मीन्स उसकी बुद्धि, प्रज्ञा मीन्स बुद्धि। बुद्धि प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठित मीन्स फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। नोस मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, नोस मुझे कैसे डिस्क्रिमिनेट करना है, नोस कैसे मुझे फर्क करना है, ये उसका जो है बड़ा क्लियर कट सिचुएशन है। एक रस है, व्यवसायत्मक बुद्धि, मतलब अपना बिजनेस समझता है। बिजनेस क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। हम दुकान में बिजनेस करते हैं तो लाभ प्राप्ति के लिए करते हैं, लाभ हो, फायदा हो, लाभ मिल जाए। यहाँ क्या लाभ चाहिए? यहाँ हमारी व्यवसायत्मका, मतलब आत्मा के द्वारा व्यवसाय कर रहे हैं। व्यवसाय क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना। लाभ क्या है? मोक्ष मिलेगा, भगवान का प्रेम मिलेगा तो भगवान के घर जाने का रास्ता खुलेगा, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुक्ति होगी, सैलवेशन होगी, लिबरेशन होगी। तो अब जो है, जब आपकी बुद्धि डिस्क्रिमिनेट कर लेगी व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तब परमात्मा के साथ जो आपका संबंध है, जो आपका रिलेशनशिप है, वो अचल हो जाएगा। अचल मीन्स चलायमान नहीं होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। अटल हो जाएगा मीन्स फिक्स हो जाएगा। नाउ यू अंडरस्टैंड हु यू आर एंड हु गॉड इज एंड व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद हिम, और रिलेशनशिप को कैसे आपको निभाना है, ये बात समझ में आ जाएगी। तेज बुद्धि से भी भगवान को नहीं समझ सकते आप। बुद्धि तब भगवान को समझेंगे जब बुद्धि से डिसाइड करेंगे कि यस व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। संसारिक भोग है, मैंने एमए कर लिया, मैंने एमफिल कर लिया, मैंने डीफिल कर लिया, मैंने पीएचडी कर लिया, मैंने डॉक्टरी कर ली, मैंने इंजीनियरिंग कर ली, मैं एरोनॉटिक इंजीनियर बन गया, फलाना इंजीनियर बन गया, वो एक अलग चीज़ है। वो भौतिक संसार के अंदर आपको अपना जीवन यापन करना है, उसके लिए एसेंशियल है। परंतु भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना है तो शास्त्र अध्ययन करना पड़ेगा। उसमें सबसे पहला शास्त्र है भगवद गीता, इसका ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। अब आती है श्लोक संख्या 58, श्लोक संख्या 58। यदा सहर्ते चयम कुर्मा अंगानि इव सर्वशः इंद्रियानि इंद्रिय अर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। फिर बता रहे हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता, अर्थात उसकी बुद्धि जो है वो स्थिर कैसे होती है, किस क्या लक्षण क्या है, उसके सिम्टम क्या है। तो यहाँ जो है भगवान ने 58वें श्लोक से लेके 63वें श्लोक तक चर्चा करी है, किम आसीत, अर्थात वो कैसे बैठता है इस संसार में, कैसे रहता है। और 64 से लेके 71वें श्लोक तक चर्चा आ रही है व्रजेत किम, अर्थात कैसे चलता है, अर्थात व्यवहार कैसे करता है, उसका आचरण कैसा होता है। नाउ इसमें कछुए की संज्ञा दी गई है, कछुए का एग्जाम्पल दिया गया है। कछुए के चार पैर होते हैं, मुख है सामने, पीछे छोटी सी पूंछ होती है, 6 अंग हो गए, 6 अंग। जब कछुआ डेंजर में आता है, जब कछुए की पास परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, तो वो मुख को भी और चारों पांव को भी और पूंछ को भी अपने में डाल लेता और एक कठोर शेल की तरह पड़ा रहता। आप देखते हो पत्थर पड़ा हुआ है। जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी, पैर भी बाहर निकल आएंगे, गर्दन भी बाहर निकल आएगी और पूंछ भी बाहर निकल आएगी। तो यहां पर जो है मनुष्य की चर्चा हो रही है कि उसके 6 अंग कौन से हैं जिसको उसे कंट्रोल करना है, मतलब घुसाएगा नहीं कहीं भी, कंट्रोल करेगा। वहां उसने कहा 6 अंगों से कंट्रोल कर लिया उसने, यहाँ पे 6 अंगों से आपने कंट्रोल कैसे करना है। तो 5 है आपकी ज्ञान की इंद्रियां, कान है,
आंख है, नाक है, जीवा है और त्वचा है, पांच इंद्रियां हैं और एक मन। इनको विषयों से हटा लेना है, अर्थात कान को शब्द से, आंख को रूप से, नाक को गंध से और जीभा को रस से और त्वचा को स्पर्श से। जो विषय आपको आकर्षित करते हैं भौतिक संसार में भोगने के लिए, उनसे हटा लेना है, उनसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, उनको छुपा लेना। अब फिर शब्द यहाँ इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे कि इंद्रियानि इंद्रियार्थे। तो श्लोक संख्या 59 की हमने चर्चा करी कि देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। निराहारस्य, निराहार का मतलब है आहार के बिना, आहार के बिना। तो यहाँ आहार क्या है? इंद्रिय भोगों का जो मटेरियल है वो आहार है। जैसे व्यक्ति को खाना खाना है, भूख लगती है, तो रोटी दाल रोटी सब्जी दूध दही आहार है उसके। तो ऐसे ही जो है आहार क्या है? आहार है कि इंद्रियों का आहार है इंद्रिय विषय। मतलब आपका जो आहार क्या हुआ, आपकी डाइट क्या हुई, डाइट है मैं भोग भोगना चाहता हूँ, उसका मुझे सामान चाहिए, वो मेरी डाइट है, इंद्रिय भोगों की डाइट है, वो इंद्रिय भोगों का सामान है, इंद्रिय भोगों की डाइट है, मीन संसार को भोगने का वो मटेरियल है, वो डाइट है। तो यहाँ कहा जाता है कि या तो व्यक्ति, जैसे मान लो हम भोजन त्यागते हैं, भोजन को छोड़ते कब है? ये बीमार हो जाते हैं, तो बीमार हो जाते हैं तो भोजन छोड़ देते हैं, निराहार हो जाते हैं, बिना आहार के हो जाते हैं। परंतु यहाँ निराहार का मतलब क्या है? यहाँ निराहार का मतलब है कि जितने भी विषय हैं उनका त्याग कर देना, मुझे अट्रैक्ट नहीं करें। ये हम अगली बार अभी चर्चा करेंगे 62वें श्लोक में, अगले अगले श्लोक में चर्चा करेंगे। त्याग करके एकांत में बैठ के इंद्रियों को इंद्र विषयों से हटा लेना, ये निराहारस्य है। अर्थात यहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि स्थित प्रज्ञ की रस बुद्धि, मतलब जो उसका इंटेलिजेंस है, जब वो भगवान में फिक्स हो जाएगी, जब वो भगवान के प्रति आकर्षित हो जाएगी, तो इंद्रिय भोगों के प्रति जो उसका आकर्षण था वो दिन ब दिन कम होता चला जाएगा। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। एक व्यक्ति जो है किसी जमाने में पैदल चला करता था, आहिस्ता आहिस्ता उसके पास साइकिल आ गया, अब पैदल चलना बंद हो गया क्योंकि उत्तम रस मिल गया, उत्तम सामान मिल गया। एक स्कूटर आ गया तो साइकिल बंद कर दिया कि अब साइकिल में नहीं चलता क्योंकि अब साइकिल से उत्तम चीज आ गई है। अब स्कूटर के बाद कार आ गई, छोटी सी चार पहिया की कार आ गई, एयर कंडीशन नहीं थी, साधारण कार थी। तो अब उसने स्कूटर पे चलना बंद कर दिया, कार में चलना शुरू कर दिया। अब कार आ गई एयर कंडीशन, तो अब उसने नॉन एयर कंडीशन कार छोड़ दी, अब वो एयर कंडीशन कार में चलना शुरू हो गया। मीन्स वो उत्तम रस की प्राप्ति होने पे जो पहले का निम्न रस था उसको त्याग देता है, उसको छोड़ देता है। अब साधारण भोजन की बात करें, भाई नमक के साथ रोटी खाता था, हौले 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 ऊपर चढ़ा, चटनी के साथ आ गया, नमक पीछे रह गया, चटनी के बाद सब्जी आ गई पीछे रह गया, अब आ गया पनीर। ओहो, अब कौन लौकी खाएगा भाई, पनीर ही खाएंगे। मुझे याद है हमारे यहाँ वो झुग्गियों के अंदर जो है अभी सामान वामान मिल रहा था, फ्री में लोग बांट रहे थे कोरोना के अंदर, तो एक झुग्गी वाला आके कहने लगा, कहना साहब हमारे यहाँ कल बांटने वाले आए थे उसको हमने वापस कर दिया। हमने कहा क्यों कर दिया भाई? कहता डॉक्टर साहब ऐसा है कि वो ना मूंग की दाल ले आए थे, खिचड़ी ले आए थे मूंग की दाल की, हमें कल तो पनीर दे गए थे, वो पनीर खाएंगे मूंग की दाल क्यों खाएंगे? मतलब उत्तम रस की प्राप्ति हुई तो निम्न रस छोड़ दिया, वो मूंग की दाल नहीं खाएगा, वो पनीर खाएगा। तो इसी तरह यहाँ चर्चा आ रही है कि जो भगवान का प्रेम है वो उत्तम रस है, जो भक्ति है वो उत्तम रस है। जब आप जो है भगवान के प्रेम की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, भगवान की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, तो आप जो है भौतिक संसार का जो निम्न रस है उसको त्यागते चले जाएंगे, उसमें अब आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, उसमें अब बुद्धि जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो रस आपसे छूटता चला जाएगा। अब आती है श्लोक संख्या 60। ये श्लोक बताता है कि आप वो है इंद्रियों को इंद्र विषयों से क्यों नहीं हटा पाते, इंद्रियों को वश में क्यों नहीं कर पाते, व्हाट इज द रीजन,
इंद्रियां वश में क्यों नहीं हो पाती। मतलब मन जो है आपका वश में क्यों नहीं हो पाता, ये चर्चा इसमें आ रही है। यत्ता ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यता है इंद्रियानि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, ये इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि उस विवेकी पुरुष के मन को भी हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न कर रहा हो। इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है। प्रबल मीन्स बहुत ही बलवान है, वेगवान मीन्स बहुत ही स्पीड पे है, उस विवेकी पुरुष के मन को हर लेती है। विवेकी पुरुष का मतलब है वो व्यक्ति जो अपनी बुद्धि के द्वारा डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। विवेक का मतलब होता है सत्य और असत्य में भेद कर पाना, सही और गलत में भेद कर पाना विवेक कहलाता है। तो जिस व्यक्ति में विवेक है, जो विवेकी है, उस पुरुष का मन हर लेती क्या इंद्रियां। अब एक शरीर की संज्ञा दी गई है, कठोपनिषद में है कि मनुष्य का जो है शरीर कोई रथ के समान है। उस रथ में एक सवारी बैठी हुई है, आगे सारथी है, आगे लगाम है, आगे पांच घोड़े हैं। तो इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया, पांच घोड़े तो हैं पांच इंद्रियां, लगाम है आपका मन, सारथी है बुद्धि, और पीछे आत्मा बैठी हुई है शरीर रूपी रथ के अंदर। अब घोड़े जो हैं वो डिस्टर्ब करते हैं, लगाम फेल हो जाती है। आप लगाम से घोड़ों को वश में करने का प्रयत्न कर रहा हो, पर कई बार घोड़े जो हैं वो पे लगाम हो गए हैं, वो मतलब लगाम के कंट्रोल में नहीं रहते, क्योंकि दे आर मोर स्ट्रांग। लगाम तो एक रस्सी है ना, चमड़े की हो, रस्सी की हो, किसी की रस्सी तो है वो, पर घोड़े तो पावरफुल है। तो घोड़े जो है वो प्रबल है, वेगवान है, भाग लेते हैं। अगर वो खड़े भी हैं तो बाएं दाएं हिलते रहेंगे, कुछ ना कुछ होता रहेगा, स्थिर हो गए नहीं खड़े होंगे। तो वो कहा जाता है कि इंद्रियां जो है बलवान है और वेगवती हैं, मतलब स्पीड पे हैं वो। जो पुरुष इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है उसको भी फेल कर देती है। नहीं अरे यार, आज तो पिक्चर देख ही यार, आज सत्संग का क्या करेगा, आज तो पिक्चर देख ही यार, तो वो पिक्चर देखने के चक्कर में बिजी हो जाता है। तो यहां पर जो है फिर चर्चा आती है कि वश में करने का प्रयास तो करते हैं पर वश में कर नहीं पाते। अगर हम वश में कर लें तो अगला श्लोक कहा गया है, तानि सर्वानि संयम्य युक्त आसीत मत्परा वशे ही यस्य इंद्रियानि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। मीन्स जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना मुझ में स्थिर कर देता है, ऐसा मनुष्य जो है स्थिर बुद्धि कहलाता है। मीन्स भगवान ने क्या कहा कि जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, अर्थात जिसकी प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि स्थिर है, प्रज्ञ का मतलब बुद्धि, जिसकी बुद्धि स्थिर है उसकी चर्चा हो रही है। तो जिसकी बुद्धि स्थिर है वो इंद्रियों को वश में करता है। दैट इज दी प्राइम थिंग, सबसे पहली चीज वही है, इंद्रियों को वश में करना। सबसे पहली चीज है इंद्रियों को वश में करना। जब इंद्रियां वश में हो जाती हैं तो आपका जैसे 59वें श्लोक में कहा, तब आपकी जो बुद्धि जो है वो विचलित होना बंद हो जाती है और भगवान की तरफ जब आकर्षित होगी तो आप जो है इंद्रिय विषयों को हौले 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 छोड़ते चले जाएंगे। अब यहाँ जो बात कही गई कि इंद्रियों को पूर्णतया वश में करते हुए, मतलब आपने इंद्रियों को पूर्णतः कंट्रोल कर लिया, फुल्ली कंट्रोल कर लिया, और इंद्रियों पे संयम, संयम मीन्स भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रमा स्मृति विशांत बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति का अर्थ ये है, इंद्र विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, फिर काम से क्रोध प्रकट होता है, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। तो स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य पुनः भवकूप में गिर जाता है। मीन्स आप बार बार जन्म और बार बार मृत्यु के चक्र को कैसे अटेन करते हो, कैसे आप उससे बाहर नहीं निकल पाते हो, उसका तरीका बता रहे हैं कि व्यक्ति जो है स्थित प्रज्ञ नहीं होता। क्यों नहीं होता, किस लिए नहीं होता, उसकी चर्चा हो रही है। उसकी चर्चा हो रही है
कि इंद्र विषयों का चिंतन करते हुए जब आपके इंद्र विषय जैसे कि कान का विषय है, शब्द आंख का विषय है, रूप नाक का विषय है, गंध जिह्वा का विषय है, रस स्वाद और त्वचा का विषय है स्पर्श, जब इनका चिंतन होता है, इनके बारे में अट्रैक्शन हो जाता है, इनसे आपकी अटैचमेंट हो जाती है, इनके बारे में सोचते रहते हो ये हो जाए ये हो जाए ये अच्छा वो अच्छा सब इसका आकर्षण जब हो जाता है, तो आकर्षण होने से आपकी उसमें जो है एक आसक्ति हो जाती है, यस अटैचमेंट हो जाती है, यस यस मुझे चाहिए, यस यस मुझे चाहिए, यस यस मुझे चाहिए, तो आपका उसमें एक अट्रैक्शन हो गया। जब अट्रैक्शन हो जाता है तो फिर आपकी एक डिजायर उत्पन्न होती है, जब मैंने कहा स्प्रहा स्प्रहा से कामना, आपकी एक डिजायर उत्पन्न होती है कि यस मुझे ये चीज लेनी है। एग्जाम्पल देता हूँ, एक लेडी अपने पड़ोस के घर में गई और पड़ोस के घर में जाने के बाद उसने देखा कि वहां पे एक डबल डोर का फ्रिज लगा हुआ है। ये क्या है जी, अलमारी है? तो मालकिन के घर की मालिक मालकिन लगी, नहीं जी अलमारी नहीं, मेरा रेफ्रिजरेटर है। अरे ये तो अलमारी की तरह दिखाई दे रहा है, बड़ा वाला इतना बड़ा है, एक दरवाजा बाएं खुल रहा है, एक दरवाजा दाएं खुल रहा है, तो इतना बड़ा है। कहती खोल के देखो, खोल के देखा रेफ्रिजरेटर है। तो आंख ने देखा, कान ने सुना, तो उसका उसमें जो है मन आसक्त हो गया, आकर्षण हो गया, इसको मैं देख लूं, क्या फायदे हैं इसके। अजी इसमें बड़ा फ्रीजर है, इतना बड़ा पूरी अलमारी की तरह एक फ्रीजर है, और इतना बड़ा इसके अंदर जो है ठंडा रखने का सामान है, इतनी इतनी बड़ी ट्रेज हैं। सारी बातें जब समझ में आई, कान से शब्द जो है अंदर गए और आंख से रेफ्रिजरेटर को देखा, आसक्ति हुई, आसक्ति से कामना हुई। अब कामना होने के बाद मुझे वो चाहिए, आई नीड इट, मेरे को इसकी रिक्वायरमेंट है, मुझे मिलना चाहिए। घर आके पति से कहती है मुझे ऐसा डबल डोर फ्रिज ला के दो। पति कहता है देखो भाई ऐसा है कि मेरे पास इतना पैसा है नहीं, मैं तुमको फ्रिज ला के दूँ, तुम तो फ्रिज के बिना गुजारा करो, जो पहले छोटा फ्रिज चल रहा है, ठंडा खाना रख रहा है ना, आटा खराब नहीं होता, सब्जी दाल खराब नहीं होती, दूध खराब नहीं होता। बोली नहीं नहीं बड़ा फ्रिज चाहिए, जब वो पड़ोसन ले सकती है तो हम क्यों नहीं ले सकते। बोला भाई हम इसलिए नहीं ले सकते कि हमारे पास उस फ्रिज के लिए पैसे नहीं हैं। अरे आपकी नौकरी उसी दफ्तर में, पड़ोसी की नौकरी उसी दफ्तर में, आप भी उसी पोस्ट पे हो, वो भी उसी पोस्ट पे है, उसके पास पैसे हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं, ऐसा कैसे है। बोले ऐसा इसलिए है कि वो रिश्वत खाता है, मैं रिश्वत नहीं खाता। बोले आप रिश्वत नहीं खाते तो आप खानी शुरू कर दो। बोले नहीं मैं नहीं खाऊंगा। बोले आप रिश्वत शुरू कर दो खानी, मुझे तो फ्रिज चाहिए। मतलब कामना पैदा हुई और जब वो नहीं कामना पूरी कर रही थी, पत्नी को क्रोध आ गया, अब चिड़चिड़ा रहना शुरू हो गई, गुस्सा करना शुरू हो गई, गुस्सा शुरू करना शुरू कर दिया तो मोह हो गया, मतलब कंफ्यूजन भ्रम हो गया। अब उसको जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा, स्मरण शक्ति मतलब समझ में आ रहा क्या ठीक है क्या गलत है, रोज झगड़ा करती, रोज क्लेश करती, क्या ठीक है क्या गलत है समझ में नहीं आ रही बात, रोज क्लेश हो रहा है। जब क्लेश हो रहा है तो बुद्धि जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रही कि मेरे को लेना चाहिए कि मेरे को नहीं लेना चाहिए, मेरे लिए ठीक है मेरे लिए गलत है, मेरे पति के लिए ठीक है कि मेरे पति के लिए गलत है, फैसला नहीं कर पा रही है। जब फैसला नहीं कर पा रही है तो बुद्धि नष्ट हो गई, बुद्धि नष्ट हो गई तो आदमी जो है गलत कार्य करना शुरू कर देता है, पाप के कार्य होते हैं, पाप के कार्य होंगे तो भोगने के लिए शरीर चाहिए, अर्थात आप पुनः भव कूप में गिर गए, यू आर बैक टू स्क्वायर, आप फिर पुनः भव कूप में गिर गए, क्योंकि अब आपके पास कोई आपने ढंग का कार्य नहीं किया। अब आती है श्लोक संख्या 63, श्लोक संख्या 63 में क्या कहा जा रहा, क्रोधादि भवति सम्मोह हमने कर लिया, 64वां श्लोक है, राग द्वेषा विमुक्ते तु विषयान इंद्रिय चरण आत्मवश्ये विधेय आत्मा प्रसाद अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। मतलब राग और द्वेष, राग मीन्स अटैचमेंट, द्वेष मीन्स घृणा, ना तो आपकी अटैचमेंट है ना घृणा, दोनों नहीं होने चाहिए।
आपने कहा कि मैं जो है मेरे से संसारिक वस्तुएं जो मेरे को भोग के लिए मिली हुई छिन ना जाए, भय हो गया ना तो घृणा हो गई, छिनना नहीं चाहिए। और जो मेरे पास नई चीजें हैं, मुझे संसारिक भोग की वस्तुएं चाहिए, उससे आपका राग है, उससे आपकी अटैचमेंट हो रही है, तो इन दोनों से आपको मुक्त होना है। जो व्यक्ति इन दोनों से मुक्त है, राग से भी मुक्त है और द्वेष से भी मुक्त है, और इंद्र विषयों को इंद्रियों से, इंद्रिय विषय जो है इंद्रियों को चलायमान नहीं करते, इंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं, इंद्रियां जो है इंद्र विषयों से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, अलग रहती है। कैसे अलग रहती है आप समझिए, आप सड़क पे जा रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, आपका मन ड्राइविंग में है, आपको अपने लक्ष्य पे पहुंचना है, आप पोस्टर्स पे ध्यान नहीं देते। जहां पहुंचते हैं वो व्यक्ति कहता है यार वो धौला कुआं पे बड़ा सा पोस्टर लगा देखा, बोला भाई मेरा ध्यान तो गाड़ी चलाने में था, बोला वो जो सफदरजंग का चौराहा है उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े चार पोस्टर लगे हुए थे देखे, बोले मेरा मन तो गाड़ी चलाने में था, मुझे यहाँ पहुंचना था, मतलब मेरा मन जो है पोस्टर्स के प्रति आकर्षित नहीं था, मैंने नहीं देखा, मतलब सामने होते हुए भी आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। ना देखने का मतलब है ध्यान नहीं देना, आपने ध्यान नहीं दिया है। दो व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं, दो व्यक्तियों की बातें चल रही हैं, आपने कहा अच्छा, तीसरा व्यक्ति आगे पूछता भाई तू पास खड़ा था तूने बात सुनी, मैंने ध्यान नहीं दिया वो क्या बात कर रहे हैं। अरे कुछ तो सुना होगा वो क्या बातें कर रहे हैं, बोले मैंने ध्यान नहीं दिया वो क्या बातें कर रहे हैं, मेरा कोई मन नहीं था, मेरा कुछ मन नहीं था सुनने का, मुझे नहीं पता क्या बातें कर रहे थे। मतलब आप उनसे अट्रैक्ट नहीं हुए, मतलब इंद्र विषयों का कान में शब्द वो बोल रहे थे, आपने शब्द कानों में आए, आपने ध्यान नहीं दिया, मतलब शब्दों का आप पे ब्रेन पे इफेक्ट नहीं हुआ, हालांकि कान में आए होंगे, कान में शब्द वो घुसे होंगे पहुंचे होंगे, परंतु आपकी बुद्धि के अंदर जो है उनका अट्रैक्शन नहीं हुआ, बुद्धि में उनका इफेक्ट नहीं आया, अर्थात आपने इंद्रियों को विचलित नहीं होने दिया। अब देखिए इसके बाद है आत्मवश्य विधेय आत्मा, आत्मवश्य मीन्स आत्मा को वश में करना, ये है ब्रजेत किम का, ब्रजेत किम मतलब कैसे चलता है, व्यवहार कैसे करता है, आचरण कैसे करता है, इसकी चर्चा आ रही है, मतलब अपनी इंद्रियों को कैसे व्यस्त रखता है, कैसे इस्तेमाल करता है, इंद्रियां जो हैं हमेशा चलायमान हैं फिर भी उनको जो है कैसे विषयों को स्वीकार करता है। तो विधेय आत्मा का मतलब ये है जिसने अपना मन मुझे दे दिया है, भगवान कहते हैं अपना मन मुझे दे दिया है, मतलब आपका मन जो है इंद्रियों के वश में, वशे ही अस इंद्रियानी प्रमथानी अरंती प्रभो, पहले बोला कि इंद्रियां जो है मन को वश में कर लेती हैं, अब आपने इंद्रियों को वश पे हावी, मतलब इंद्रियों को मन पे हावी नहीं होने देना, इंद्रियां मन को वश में न कर पाए, अर्थात अब आपका मन जो है उसकी सारी गंदगी समाप्त हो गई है, कलमश समाप्त हो गए हैं, सुख के प्रति राग भी समाप्त हो गया है, और जिसका इंद्रियों का आपके विषयों का वैराग्य हो गया है, इंद्रियों से इंद्र विषयों का वैराग्य हो गया है, अर्थात इंद्र विषय आपकी इंद्रियों को डिस्टर्ब नहीं कर पाते, विचलित नहीं कर पाते, आप अपने लक्ष्य के प्रति सावधान हैं, मुझे क्या लक्ष्य प्राप्त करना है, आप उसके प्रति बिल्कुल क्लियर कट आपकी फीलिंग है, और यहाँ कह रहे हैं शुद्ध मन जो है वही शांति प्राप्त करता है, ना कि राग ना द्वेष। अब इसमें चर्चा आई 65वें श्लोक के अंदर, आज का आखिरी श्लोक है ये, प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्य उपजायते प्रसन्न चेतसा हि आशु बुद्धि परि अनु अवतिष्ठते। मीन्स इस प्रकार कृष्ण भावनावृत से तुष्ट व्यक्ति संसार के तीनों पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। मीन्स विधेय, विधेय मीन्स विधि पूर्वक सिस्टम से बिल्कुल एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में अपनाते हुए आत्मा, और आत्मा जो है मन को वश में कर लेती है, मीन्स मन जो है आत्मा पीछे सवारी बैठी है ना, सवारी कहती है धौला कुआं नहीं जाना आरपी बाग जाना, तो आरपी बाग चलती है, फिर घोड़े आरपी बाग की तरफ लगाम चलती है, बुद्धि जो है उसको आरपी बाग ले जाती, तो चित्त की ये प्रसन्नता प्राप्त हो गई, मतलब आप खुश हो गए, शुद्ध मन शांति हो गई, पर सारे दुखों का नाश हो गया, अब आपके पास दुख नहीं है, अब प्रसन्न चित्त पुरुष जो है
उसकी बुद्धि जल्दी ही शीघ्र ही अच्छी प्रकार से स्थिर हो जाती है। जब दुखी होता है तब बुद्धि विचलित होती है, जब प्रसन्न होता है तो बुद्धि स्थिरता में इजीनेस आ जाती है, आसानी से हो जाती है। प्रसन्न चेतसा का अर्थ है पीसफुल कॉन्शियसनेस, अर्थात भक्ति द्वारा ही शांति हो सकती है और कोई रास्ता नहीं है। तो जैसे व्यास देव जी ने जो है लिख दिए, सारे वेद लिख दिए, सारे उन्होंने जो है वेदांत सूत्र लिख दिए, परंतु शांति नहीं मिली। जब नारद जी ने समझाया कि भैया शांति तभी मिलेगी जब भगवान में मन को लगाओगे, अर्थात भागवतम लिखोगे, जब भागवतम लिखा व्यास देव जी ने तब उनके मन को शांति प्राप्त हो रही। तो मन के वश में होने से दुखों का नाश हो जाता है, बुद्धि स्थिर हो जाती है। जब मन वश में नहीं होता है तो दुख प्राप्त होते। तो यहाँ पर जो है आज इसको यहीं समाप्त करते हैं, अगली बार जो है 66 से लेके और 72वें श्लोक तक करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, एनी क्वेश्चंस बताइए। हाँ जी प्रभु जी बोलिए, बताइए बोलिए। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही, कुछ चीज डिस्टर्ब कर रही है आपको, आपका माइक हिल रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है? आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है। बताइए। थोड़ी थोड़ी आई। हाँ थोड़ी थोड़ी आई है। हरे कृष्ण। हाँ जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, 57 श्लोक में विस्तृत होता है कि पूर्ण ज्ञान क्या है। श्लोक संख्या 57। हाँ जी 57 है। यह सर्वत अनभी स्नेह तत् प्राप शुभ शुभम ना अभिनंदती ना द्वेष्टी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। यही श्लोक है ना? हाँ जी हाँ जी। इसमें क्या चीज समझ में आ रही है आपको? इसमें अनुवाद है, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। पूर्ण ज्ञान क्या है? देखिए यहाँ जो आप उसका ऊपर शब्दार्थ पढ़ेंगे तो वो है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि, प्रज्ञा बुद्धि को कहते हैं। और बुद्धि द्वारा पूर्ण ज्ञान मिल गया। पूर्ण ज्ञान मीन्स कि अब आपको पता लग गया कि भैया मुझे जाना कहाँ है और जाने का रास्ता क्या है। ज्ञान तो यही है ना। अब आपको पता है कि आपको मोक्ष प्राप्त करना है, आपको मालूम है कि आपको मुक्ति प्राप्त करनी है। तो पहला सवाल यह है कि मोक्ष क्या होता क्या है? व्हाट इज मोक्ष, व्हाट इज मुक्ति, व्हाट इज लिबरेशन, व्हाट इज सल्वेशन। तो आपके मन में सबसे पहली बात यह आती है कि ये क्या है। जब आपको वो ज्ञान प्राप्त हुआ कि मुक्ति क्या है, तब आपका मुक्ति के प्रति एक अगला सवाल आ गया कि भाई मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसका फायदा क्या है, उसका लाभ क्या है। तब आपको लाभ पता लगा कि मुक्ति प्राप्त करने के बाद मैं भौतिक संसार में लौट कर नहीं आऊंगा, क्योंकि भगवान ने कमिटमेंट दे दी, भगवान ने कमिटमेंट दे दी कि जो मेरे धाम आता है वो लौट कर इस संसार में नहीं आता। अब सवाल अगला फिर पैदा हुआ कि अगर भगवान के क्या इस लौट कर संसार में नहीं आना तो संसार में क्या कष्ट है, क्यों नहीं आना, और भगवान के यहाँ क्या फायदे हैं, क्यों वहां रहना, ये सवाल पैदा हो गया। इसका ज्ञान प्राप्त किया। अब ये जब ज्ञान मिल गया कि भगवान ने कहा कि मेरे तो वहां सुख ही सुख है, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता तदा पदम गच्छन्ति अनामयम, पदम गच्छन्ति अनामयम, कि मेरे उस धाम के अंदर दुख नहीं है, मेरे उस धाम के अंदर सुख ही सुख है, कष्ट नहीं है, टेंशन नहीं है, परेशानी नहीं है।
जब ये ज्ञान प्राप्त हो गया बुद्धि के द्वारा, अब प्राप्त हुआ यार, जगह तो बहुत बढ़िया है, मजा तो बहुत है, भगवान के धाम, भगवान के साथ रहना है, और वहां दुख भी नहीं है, चिंता भी नहीं है, कष्ट भी नहीं है, तो जाएं कैसे, हाउ टू रीच, अब ये ज्ञान चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि जब बुद्धि स्थिर हो जाएगी, जब आपकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाएगी, जब आपकी प्रज्ञा बुद्धि स्थिर हो जाएगी, तब आप फैसला कर पाओगे गलत क्या और सही क्या। तब आपको फैसला किया, अच्छा ऐसा है कि मैं तो फलानी देवी का चिंतन करता हूँ, मैं फलाने भगवान का चिंतन करता हूँ, मैं फलाने बाबा का चिंतन करता हूँ, तो भाई पहले बताओ बाबा आपको मोक्ष दिलवा सकता है क्या, वो देवी आपको मोक्ष दिलवा सकती, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाओ। ये ज्ञान प्राप्त हुआ, जब ये ज्ञान प्राप्त हुआ तो फिर आपके मन में ये आ गया कि भैया मुझे भगवान की भक्ति करनी है, मुझे बाएं दाएं कहीं नहीं भटकना है, अर्थात व्यवसात्मिक बुद्धि रखनी है। व्यवसाय में मुझे मुझे पता लग गया कि मेरा इस वक्त तो है बिजनेस, क्या है बुरा बिजनेस है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना। तो उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए अब आप कहते हो कि मेरे को लक्ष्य साधना है, लक्ष्य पे पहुंचना है, तो उसका प्रोसेस क्या है, उसका तरीका क्या है। पूर्ण ज्ञान, मतलब पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या हो गया कि मेरी बुद्धि स्थिर होनी चाहिए, तब मैं सारी बातों का फैसला कर पाऊंगा। अगर मेरी बुद्धि स्थिर नहीं है, बुद्धि विचलित है, तो मैं फैसला कर नहीं पाऊंगा, डिसीजन ले नहीं पाऊंगा, इनडिसीजिव हो जाऊंगा, मैं फैसला नहीं कर पाऊंगा, डिसीजन नहीं ले पाऊंगा। तो ये बात, तो इससे पूर्ण ज्ञान का अर्थ ये है कि आपकी बुद्धि प्रतिष्ठित होनी चाहिए, तभी ज्ञान प्राप्त होगा। और ज्ञान प्राप्त होगा, पूर्ण ज्ञान का मतलब है शरीर, आत्मा और भगवान, कर्म और काल, इन पांच चीजों का जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, बात समझ में आ जाएगी सारी, तो आपने कहा पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। पर प्राप्त कब होगा, जब बुद्धि स्थिर होगी। यही बात अब अगले श्लोक में भी कही गई। देखिए आपने अगला श्लोक जो है, जो इस बारे में कहा गया था, उसको भी जरा समझ लीजिएगा। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी चेतना मुझमें स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। और फिर बात कही यहाँ पर कि किंतु समस्त राग और द्वेष से मुक्त, अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। मतलब भगवान का प्रेम तभी प्राप्त होगा जब आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। बुद्धि को स्थिर करना जरूरी है, तो बुद्धि को स्थिर करिए, तब आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत असेंशियल है। और कोई सवाल है आपका? यही जो मुक्ति और कृष्ण प्रेम एक ही चीज है, मुक्ति प्राप्त करना और कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना। ऐसा है, मुक्ति का अर्थ क्या है? जन्म मरण से छुटकारा। जन्म मरण से छुटकारा मिले, तो छुटकारा कहाँ मिलेगा? न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा हि निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। हा ब्रह्म भुवना लोका पुनर्वर्तनो अर्जुना माम उपेत्या तो कौन तय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान ने कहा कि आपको जन्म मृत्यु से छुटकारा तभी मिलेगा जब आप मेरे घर आ जाओगे, अर्थात मेरे धाम में आ जाओगे, भगवान के धाम जाना है। सुनिए जरा, भगवान के धाम जाना है। आपने कहा मुझे पिक्चर देखने जाना है सिनेमा हॉल में, और सिनेमा हॉल में अंदर जाने के लिए टिकट चाहिए। टिकट चाहिए कि नहीं चाहिए? कि बिना टिकट सिनेमा हॉल में घुस जाओगे? नहीं, नहीं। टिकट चाहिए ना। आपकी लड़की सोनिया अमेरिका में रहती है, आप उससे मिलने जाना चाहते हो, ऐसे ही मिल लोगे? वीजा चाहिए, वीजा, पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, टिकट के टिकट पैसे चाहिए, चाहिए, फिर टिकट चाहिए। टिकट चाहिए। मींस उस धाम में जाने के लिए कुछ योग्यताएं हैं। सिनेमा हॉल में जाने के लिए योग्यता है, टिकट होनी चाहिए।